तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सू यांग अपने सभी डिसाइपल्स के साथ सिक्स्थ मेरिडियन के फॉरेस्ट में घूम रहा होता है। तभी उन्हें रास्ते में कुछ लुटेरे दिखाई देते हैं जो हंसते हुए बोल रहे होते हैं, तुम्हारे पास जितने भी स्पिरिट स्टोन मौजूद है उन्हें तुम हमारे हवाले कर दो। और अब वह सभी लोग सू यांग और उसके साथियों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी कॉमेट बीच में आते हुए उन सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। पर तभी वह सभी लोग देखते हैं कि कॉमेट के काफी खतरनाक अटैक के बावजूद वह लोग दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, तुम्हारे पास जितने भी स्पिरिट स्टोन है उन्हें हमारे हवाले कर दो। तभी कांगचू बोलती है, यह सभी लोग नॉर्मल इंसान नहीं है, यह मुझे देखने में अब नॉर्मल लग रहे हैं, जरूर इनकी बॉडी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। और अब वह अपने पास से कुछ केओस क्रिस्टल निकालकर देखने लगती है, जिसकी एनर्जी को सेंस करते ही वह सभी लुटेरे काफी तेजी से कांगचू की ओर आगे बढ़ते हैं। पर तभी सांगनिंग काफी तेजी से अटैक करके उन लोगों को कांगचू से दूर कर देती है। अब सांगनिंग के अटैक के बाद उन सभी लोगों की बॉडी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है, जिस वजह से वह लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, पर इसके बावजूद वह उन लोगों से स्पिरिट स्टोन मांग रहे होते हैं। तभी सांगनिंग उन्हें देखते हुए बोलती है, यह सभी लोग फोर्थ या फिर फिफ्थ क्लास इमॉर्टल है, पर इन सभी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा वीक है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पर वह सभी इमॉर्टल लगातार गेट गेट बोले चले जा रहे होते हैं, जो सुनते ही डीमन एम्परर उनके पास आते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर किस गेट की बात कर रहे हो। तभी एक पर्सन काफी गुस्से में डीमन एम्परर की ओर देखते हुए बोलता है, होली टोम गेट, वह स्पिरिचुअल स्टोन से ही खोला जा सकता है। और अब वह सभी लोग एक और इशारा करते हैं, जो देखते ही सभी लोग उस ओर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक होली टोम गेट दिखाई देता है, जो देखते ही सू यांग अपने सभी डिसाइपल्स के साथ उस गेट के पास आता है। अब डीमन एम्परर आगे बढ़ते हुए उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वह गेट वहां पर नहीं खुल रहा होता है। तभी कांगचू आगे बढ़कर उस गेट के ऊपर एक अटैक करती है। तभी वह नोटिस करती है कि वह गेट उसके अटैक की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिससे उस गेट के ऊपर एक पैटर्न बन जाता है, पर स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने की वजह से थोड़ी ही देर में वह पैटर्न गायब हो जाता है। यह देखते ही कांगचू बोलती है, तो इसीलिए वह सभी लोग स्पिरिट स्टोन ढूंढ रहे थे जिसका यूज करते हुए वह लोग इस गेट को खोल सके। और अब वह अपने पास से एक स्पिरिट स्टोन निकालकर उसकी पावर को उस गेट के अंदर डालने जा ही रही होती है कि तभी सू यांग आगे आते हुए बोलता है, तुम्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह अपने नॉर्मल से ही अटैक से उस गेट को खोल देता है, जिसके बाद वह अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर होली टोम गेट के अंदर मौजूद एक सीक्रेट रैलम के अंदर आ जाता है। अब उस जगह को देखते ही सांगनिंग बोलने लगती है, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज मौजूद है, इसीलिए वह सभी लोग यहाँ पर आने के लिए इतने ज्यादा व्याकुल थे। तभी कांगचू को वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करता हुआ एक इंसान दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह काफी तेजी से भागते हुए उसके पास जाती है और अब वह उसे उठाने की कोशिश करती है, पर तभी वह देखती है कि वह इंसान काफी पहले मर चुका होता है और वहां पर कल्टीवेशन पोजीशन में उसकी डेड बॉडी बैठी हुई होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। और अब कांगचू वहां से आगे देखती है तो उस जगह पर उसी इंसान की तरह कई सारे लोग कल्टीवेशन पोजीशन में बैठे हुए होते हैं और वह सभी लोग वहां पर मर चुके होते हैं, जो देखकर वह और भी ज्यादा डर जाती है। तभी सांगनिंग आगे बढ़ते हुए उन सभी को देखती है और बोलती है कि इनकी बॉडी के ऊपर ना ही किसी चोट का निशान है और ना ही इन्हें पॉइजन देकर मारा गया है, तो आखिर इन सभी लोगों की मौत कैसे हुई। वहीं पर खड़ा सू यांग चुपचाप वहां पर मौजूद एक जाइंट ट्री को देख रहा होता है, जिस ट्री के नीचे बैठकर वह सभी लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और अब वह अपनी हल्की सी एनर्जी को उस ट्री के अंदर डालता है, जिससे वह ट्री वहां पर ग्लो करने लगता है। और अब सभी लोग देखते हैं कि वह ट्री उसके नीचे बैठे सभी लोगों की बॉडी के साथ कनेक्ट होता है और वह धीरे धीरे उनकी बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि इसी ट्री ने इन सभी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ इनकी लाइफ एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से यह सभी लोग यहाँ पर मारे गए।
अब सुयांग एक अटैक करते हुए उस ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए कॉमेट उस ग्रेवस्टोन के ऊपर अटैक करता है, जिससे वह ग्रेवस्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब उस ग्रेवस्टोन के अंदर से वही स्पिरिचुअल डॉल निकलकर बाहर आता है जिसे थोड़े टाइम पहले सुयांग ने डिस्ट्रॉय किया था। अब हमें सिक्स्थ मेरिडियन के फॉरेस्ट लेक के अंदर भी एक ग्रेवस्टोन दिखाया जाता है जो लेक से निकलकर बाहर आता है और अब वह अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके अंदर से भी वही स्पिरिट डॉल बाहर निकलता है। और अब वह स्पिरिट डॉल काफी तेजी से उड़ते हुए कहीं जाने लगता है, वहीं से थोड़ी दूरी पर एक अल्टार के बीचों बीच भी उसी तरह का टोम रखा हुआ होता है। और अब उस ग्रेव स्टोन के अंदर से भी स्पिरिट डॉल निकलकर बाहर आता है और अब वह भी काफी तेजी से वहां से भागने लगता है, जो देखकर वहां पर उनकी पूजा कर रहे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि आसमान में कई सारे उसी तरह के स्पिरिट डॉल उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं। और तभी होली टोम रैलम के अंदर मौजूद वह स्पिरिट डॉल भी अपनी आंखें खोलता है और अब वह भी काफी तेजी से वहां से बाहर की ओर भागने लगता है। सांगनिंग उस पर अटैक करने की कोशिश करती है पर वह सांगनिंग के अटैक को डॉज कर लेता है। तभी अचानक से कॉमेट उसके सामने आते हुए उस पर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे वह डॉल सीधा जाकर जमीन के अंदर धस जाता है। तभी डीमन एम्परर आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर यह होली मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? सुयांग बोलता है, बेवकूफ, मैंने तुम्हें बताया था कि यह कोई होली मास्टर नहीं बल्कि एक स्पिरिट डॉल है। यह सुनते ही डीमन एम्परर बोलने लगता है, तो क्या इस तरह के और भी स्पिरिट डॉल यहाँ पर चारों ओर मौजूद होंगे जो लोगों की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर कंट्रोल कर रहे होंगे? तो आखिर इनकी असली बॉडी कहाँ पर है? अब सांगनिंग आगे बढ़ते हुए सुयांग की ओर देखते हुए बोलती है, मास्टर अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तभी सुयांग मांटाऊ को बाहर बुलाता है, जिसे देखते ही डीमन एम्परर बोलने लगता है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया मांटाऊ, इसकी बॉडी को स्कैन करने के बाद यह पता लगा लेगा कि इस होली मास्टर की रियल बॉडी कहां पर मौजूद है। और अब मांटाऊ आगे बढ़कर उस स्पिरिट डॉल को स्कैन करता है, जिसके बाद वह सभी लोग उस स्पिरिट डॉल के रियल बॉडी की ओर निकल पड़ते हैं। अब हमें ल्यूजन टी हाउस दिखाया जाता है, जहाँ का ओनर अपने कुछ साथियों को टी पिला रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि जल्द ही वह सभी लोग यहाँ पर आते ही होंगे। तभी एक स्पिरिट डॉल काफी तेजी से वहां पर आकर गिरता है, जिसे देखते ही वहां पर बैठा हुआ एक पर्सन उसकी ओर भागता है, पर अचानक से वह स्पिरिट डॉल ब्लास्ट हो जाता है। यह देखते ही वहां पर खड़ा पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर यहाँ पर कौन है जो मेरे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है? तभी उसके पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है और अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर बैठा सुयांग चाय पी रहा होता है। और अब वह बोलता है, आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर किस नाम से बुलाऊं, ल्यूजन सिटी का ओनर या फिर होली मास्टर? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।